हेलो एवरीवन, दिस वन इज़ द फिफ्थ लेक्चर ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अप टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आफ्टर दैट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक्स। तो व्हाट आर द टॉपिक, तो यहाँ पे देखो मैंने पॉइंट आउट किया है इस टॉपिक में, इस लेक्चर में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ हॉर्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकेंड वन इज़ डिजॉर्डर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थर्ड वन इज़ गेमेटोजेनेसिस, उसमें हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड फोर्थ वन इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो दीज आर द टॉपिक जो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्या क्या, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिजॉर्डर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गेमेटोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो हियर इट इज़। तो फर्स्ट हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सेम टॉपिक हम लोगों ने कौन से टॉपिक में किया था, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो टॉपिक जो है क्वाइट सिमिलर टू दैट हार्मोनल कंट्रोल। तो यहाँ पे अगर देखो, फर्स्ट हम लोग कौन कुच पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, दिस वन इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज ए न्यूरो सिक्रेटरी स्ट्रक्चर। तो हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस सिक्रेट ए पार्टिकुलर हार्मोन। क्लियर, हाइपोथैलेमस सिक्रेट ए पार्टिकुलर हार्मोन एंड दिस हार्मोन इज कॉल्ड ए GnRH। व्हाट इज द हार्मोन, GnRH। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GnRH, GnRH मीन्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर, व्हाट इज GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस GnRH, दिस GnRH यूज टू स्टिमुलेट द एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी, व्हिच इज ऑल्सो नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस। दे GnRH यूज टू स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी। ये जो GnRH जो है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर एडिनो हाइपोफाइसिस को स्टिमुलेट करेगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द, आफ्टर द स्टिमुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस टू गोनाडियल हार्मोन। व्हाट आर द टू गोनाडियल हार्मोन, वन इज FSH एंड अदर वन इज LH। क्लियर, आफ्टर द स्टिमुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी जब स्टिमुलेट हो जाएगा, देन दिस एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट टू गोनाडियल हार्मोन्स। व्हाट आर द टू गोनाडियल हार्मोन्स, वन इज FSH एंड अनदर वन इज LH इन केस ऑफ फीमेल। क्लियर, वन इज FSH एंड अदर वन इज LH इन केस ऑफ फीमेल। तो FSH का अगर फुल फॉर्म अगर देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करूंगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर, तो फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, दैट मीन्स इट यूज टू बी स्टिमुलेट द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ऑन द अदर हैंड LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस LH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इट यूज टू स्टिमुलेट कॉर्पस लूटियम ऑफ द ओवरी। तो यहाँ पे अगर देखो नेक्स्ट पॉइंट में, दिस FSH जो है, दिस FSH यूज टू स्टिमुलेट ग्राफियन फॉलिकल, ऑन द अदर हैंड LH स्टिमुलेट कॉर्पस लूटियम। When this both graafian follicle and corpus luteum is stimulated by these hormones, now this graafian follicle used to secrete another hormone which is called as estrogen or estrogen, which is known as female hormone. So graafian follicle secrete estrogen or estrogen which is known as female hormone, and it helps in development of secondary sexual character of female, plus it also helps in oogenesis. Clear? तो व्हेन दिस FSH, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन दिस FSH स्टिमुलेट ग्राफियन फॉलिकल, दिस ग्राफियन फॉलिकल सिक्रेट ओजेनेसिस। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ओजेनेसिस, दिस ओजेनेसिस मेंटेन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन ओजेनेसिस। ऑन द अदर हैंड LH जो है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट कॉर्पस लूटियम एंड दिस कॉर्पस लूटियम सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर, एंड दिस प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर, व्हिच इज ऑल, दैट इज व्हाई दिस प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर, बिकॉज इट मेंटेन द एंडोमेट्रियल वॉल। क्लियर, तो दीज आर द हॉर्मोनल डिफरेंट हॉर्मोन्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, हो रहा है, देखो मैं फिर से रिपीट करूँगा, हाइपोथैलेमस, इट इज़ ए न्यूरो सिक्रेटरी स्ट्रक्चर, दिस हाइपोथैलेमस सिक्रेट GnRH मीन्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दिस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन
स्टिमुलेट एंटेरियर पिट्यूटरी और एडिनो हाइपोफाइसिस. क्लियर? एंटेरियर पिट्यूटरी और एडिनो हाइपोफाइसिस. नाउ दिस एंटेरियर पिट्यूटरी सीक्रेट टू गोनाडियल हॉर्मोन्स व्हिच इज FSH एंड LH. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FSH? दिस FSH मीन्स फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन स्टिमुलेट और प्रोलिफरेट हेल्प्स इन प्रोलिफरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टू सीक्रेट एस्ट्रोजन. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एस्ट्रोजन? इट हेल्प्स इन ओजेनेसिस एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल. ऑन द अदर हैंड दिस LH यूज टू स्टिमुलेट कॉर्पस लुटियम व्हिच प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन. एंड दिस प्रोजेस्टेरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम. क्लियर? तो दिस वन इज द हॉर्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्लियर? नेक्स्ट अगर देखो, व्हाट आर द डिजॉर्डर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो फर्स्ट अगर यहाँ पे देखो, ब्रेस्ट कैंसर. कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, कैंसर क्या है? एबनॉर्मल इंक्रीज. कैंसर क्या है? एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ और एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल्स. तो यहाँ पे अगर देखो, ब्रेस्ट कैंसर क्या है? इट इज़ रेयरली सीन बिफोर द एज ऑफ 30. मतलब 30 एज के पहले ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, इट इज़ वेरी रेयर. बट आफ्टर 30 एज इट में ओकर्स. तो यहाँ पे अगर देखो, हाउ दिस ब्रेस्ट कैंसर इज ट्रीटेड? इट इज ट्रीटेड बाय मास्टेक्टोमी. क्लियर? यहाँ पे अगर देखो, मास्टेक्टोमी. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट? इट इज कॉल्ड एज मास्टेक्टोमी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मास्टेक्टोमी? इट इज द रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट. ठीक है, अगर ब्रेस्ट का कैंसर होगा तो ये जो ब्रेस्ट जो है, दिस ब्रेस्ट इज रिमूव्ड. सेकेंड डिजॉर्डर अगर देखो, विच इज कॉल्ड अ सर्वाइकल कैंसर. ठीक है, तो व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर? इट इज द कैंसर ऑफ सर्विक्स. क्लियर? कैंसर ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड एज सर्विक्स इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैंसर. ठीक है, कैन इट कैन बी ट्रीटेड बाय रेडिएशन और सर्जरी. ठीक है, इट कैन बी ट्रीटेड बाय टू प्रोसेस. इट मे बी बाय रेडिएशन और बाय सर्जिकल मेथड. ठीक है, थर्ड वन इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक कॉम्प्लिकेशन है. यहाँ पे अगर देखो, हम लोगों ने एक टाइम पे डिस्कस किया था व्हाट इज इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रायो टू द यूटेराइन वॉल, व्हिच इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. तो यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है? एम्ब्रायो कहाँ पे जाके अटैच होगा? इट यूज टू बी अटैच विद द यूटेराइन वॉल. बट यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी एम्ब्रायो यूटेराइन वॉल में अटैच होने के ना होके दे यूज टू बी अटैच्ड विद द फेलोपियन ट्यूब. एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ठीक है, तो व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? इट इज़ द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो एट प्लेस अदर देन यूटेरस, व्हिच इज फेलोपियन ट्यूब. मतलब फेलोपियन ट्यूब में अटैच नहीं होके ये कहाँ पे अटैचमेंट होता है? फेलोपियन ट्यूब में. एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज ओफोराइटिस. इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी ड्यू टू इन्फेक्शन. सिंपल, व्हाट इज ओफोराइटिस? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी ड्यू टू इन्फेक्शन. एंड द लास्ट डिजॉर्डर इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियोसिस. इट इज द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड यूटेरस. ठीक है, फिर से मैं रिपीट करूंगा, व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस? इट इज द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल, इट इज द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड यूटेरस. ठीक है, which is called as endometriosis. So what is the symptom of this disease? Symptom include premenstrual pain. Matlab before the starting of menstruation bahut pain hoga. And this it is the symptom of the endometriosis. So these are the few female disorder of female reproductive system. Kya kya hai? Breast cancer, cervical cancer, both are cancer. Ectopic pregnancy, jisme kya hota hai? Embryo is not used to attach with the uterus. It used to attach to the fallopian tube. And this condition is called as ectopic pregnancy. Oophorectis means enlargement of ovary due to infection. And endometriosis means it is the growth of endometrial tissue outside uterus. Okay? Which is called as endometriosis. So these are the disorder of female reproductive system. Yeah? Next, we will start. There is another topic which is called as gametogenesis. Clear? तो व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स इज नोन एज गेमेटोजेनेसिस. जो गेमेट्स में कौन कौन होता है? गेमेट्स में भी स्पर्म और एग. तो यहाँ पे अगर देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ गेमेटोजेनेसिस. क्लियर? देर आर टू टाइप्स ऑफ गेमेटोजेनेसिस बिटवीन द नेचर ऑफ सेक्स सेल. वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस, अनदर वन इज ओजेनेसिस. क्लियर? तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स और स्पर्म और एग इज नोन एज गेमेटोजेनेसिस.
एंड गेमेटोजेनेसिस इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड अदर वन इज ओजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा स्टार्ट करेंगे विद द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है देखो, इन इन टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस का कुछ कौन सा पार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मैंने एक लेक्चर में डिस्कस भी किया था। सेमिनिफरस ट्यूबुल इज द ट्यूबुल इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहाँ पे टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, व्हिच इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, इन टेस्टिस द मेच्योर मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो द इमेच्योर मेल जर्म सेल मतलब यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस व्हिच बिगिन एट प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी मतलब व्हेन ए पर्टिकुलर मेल अटेन द सेक्सुअल मेच्योरिटी देन ओनली दे यूज टू प्रोड्यूस स्पर्म। तो इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल, ठीक है, इमेच्योर मेल जर्म सेल क्या है, स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इट बिगिन्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो ठीक है, तो ये तो हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अभी प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अगर देखो, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ओकर्स इन फोर फेजेस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ओकर्स इन फोर फेजेस। तो व्हाट आर द फोर फेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ पे अगर देखो, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन फेज, सेकेंड वन इज ग्रोथ फेज, थर्ड वन इज मेचुरेशन फेज एंड फोर्थ वन इज स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर, इट ओकर्स इन फोर फेजेस। क्या क्या, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मेचुरेशन फेज एंड स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर, दीज आर द फोर फेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे, हर एक फेज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फेज क्या था स्पर्मेटोजेनेसिस का, मल्टीप्लीकेशन फेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जर्म सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, जर्म सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो जर्म सेल्स होता है, बाय व्हिच टाइप ऑफ सेल डिविजन डिवाइड होता है, इट इज बाय द माइटोसिस ओनली। क्लियर, तो जर्म सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर, स्पर्मेटोगोनिया और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्पर्म मदर सेल। क्लियर, तो जर्म सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो बाय व्हिच टाइप ऑफ डिविजन, माइटोटिक डिविजन, क्योंकि यहाँ पे जर्म सेल जो है, जर्म सेल इज डाइप्लॉयड, जर्म सेल डाइप्लॉयड जर्म सेल प्रोड्यूस द स्पर्मेटोगोनिया व्हिच इज ऑल्सो द डाइप्लॉयड सेल। क्लियर, और यहाँ पे जब स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म होगा, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, वन इज कॉल्ड टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए सर्व एज द स्टेम सेल। ठीक है, टाइप ए जो है वो स्टेम सेल के हिसाब से काम करेगा, वेयर एज टाइप बी आर द प्रीकर्सर ऑफ स्पर्म, मतलब टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो है व्हिच इन्वॉल्व इन फर्दर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर, टाइप ए क्या होगा, टाइप ए प्रेजेंट और सर्व एज स्टेम सेल एंड टाइप बी इन्वॉल्व इन द स्पर्मेटोजेनेसिस और इट ऑल्सो एक्ट एज द प्रीकर्सर ऑफ स्पर्म। क्लियर, यहाँ पे अगर देखो सेकेंड फेज क्या था, ग्रोथ। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड ग्रोथ। एट दिस स्टेज टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो है ग्रोज एक्टिवली इन साइज एंड डेवलप इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया जो है, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो है, इट इज एक्टिवली ग्रोज इन साइज एंड डेवलप इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इट इज डेवलप इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पे भी अगर देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोजोम क्या होगा, टुआई चेन होगा। तो कौन कौन सा स्टेज में टुआई चेन है, देखो जर्म सेल में टुआई चेन है, स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्म मदर सेल में भी टुआई चेन है, एट द सेम टाइम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी क्रोमोजोम नंबर इज टुआई चेन और डाइप्लॉयड। ठीक है, तो हो गया हम लोगों का कौन सा, मेचुरेशन, मल्टीप्लीकेशन एंड ग्रोथ। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जर्म सेल्स डिवाइड रिपीटेडली बाय माइटोसिस एंड प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म मदर सेल, उसमें भी टाइप ए टाइप बी है, तो उसमें से टाइप बी जो है, टाइप बी एंटर इनटू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो टाइप बी क्या होता है, ग्रोथ फेज में दिस टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया ग्रोज इन साइज एंड डेवलप इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर, इट इज डेवलप इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस आफ्टर दिस स्टेज और फेज, थर्ड फेज इज कॉल्ड एज मेचुरेशन फेज। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होता है देखो, दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट
मेचुरेशन फेज में क्या होता है, दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज टू सक्सेसिव मियोटिक डिवीजन। यहाँ पे देखो मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो गया अप टू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या था माइटोसिस, उसके बाद क्या हुआ मियोटिक डिवीजन या फिर मियोसिस। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो टू सक्सेसिव मियोटिक डिवीजन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मैं बार बार यही लाइन को रिपीट करूंगा क्योंकि यहाँ से कौन सा डिवीजन स्टार्ट होता है, मियोसिस। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो टू सक्सेसिव मियोटिक डिवीजन, दो बार मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन फर्स्ट मियोसिस, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूसेस टू हैप्लोइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, इट डिवाइड टू प्रोड्यूस टू हैप्लोइड सेल्स व्हिच इज कॉल्ड ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, एंड दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज एक्चुअली रिलीज फ्रॉम द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओवुलेशन। दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेन डिवाइड बाई सेकेंड म्यूटिक डिविजन एंड प्रोड्यूस फोर हैप्लोइड स्पर्मेटिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो टू सक्सेसिव म्यूटिक डिविजन। ठीक है, टू सक्सेसिव म्यूटिक डिविजन, इन मियोसिस वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डेवलप इन टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड इन मियोसिस टू दिस टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड टू प्रोड्यूस फोर हैप्लोइड स्पर्मेटिड्स। यहाँ पे देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी हैप्लोइड है, एंड द फोर हैप्लोइड स्पर्मेटिड जो है, दीज आर ऑल्सो हैप्लोइड बिकॉज इन मियोसिस क्रोमोजोम नंबर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो मैं ये तो हो गया मेच्योरेशन फेज, तो इसमें क्या होगा, दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो टू सक्सेसिव डिविजन। फर्स्ट डिविजन में क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड टू प्रोड्यूस टू हैप्लोइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इन सेकेंड मियोटिक डिविजन दिस टू हैप्लोइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डेवलप इन टू फोर हैप्लोइड स्पर्मेटिड। तो यहाँ तक तो हो गया मेचुरेशन। आफ्टर मेचुरेशन नेक्स्ट और द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, लास्ट स्टेप इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, देखो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, देखो स्पर्म बिकम एम्बेडेड इन द सर्कुलेशन। ठीक है, आफ्टर स्पर्मियोजेन मतलब जब स्पर्मेटिड से स्पर्म का कन्वर्शन होता है, दिस स्पर्म आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म जो डेवलप हुआ है, दिस स्पर्म बिकम एम्बेडेड इन सर्टुली सेल्स, जहाँ से न्यूट्रिएंट मिलता है, दे आर एम्बेडेड इन सर्टुली सेल्स एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक है, सर्टुली सेल से रिलीज होकर जब फाइनली सेमिनिफेरस ट्यूब से रिलीज होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। तो यहाँ पे देखो दो टर्म है, वन इज स्पर्मियोजेनेसिस, उसमें क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द स्पर्मेटिड, एंड स्पर्मिएशन का मतलब क्या है, दिस स्पर्म व्हिच आर एम्बेडेड इन द सर्टुली सेल्स आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्स, मतलब सर्टुली सेल से निकल के वो सेमिनिफेरस ट्यूब के थ्रू बाहर निकलेगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। तो दीज आर द फोर फेजेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो फर्स्ट फेज क्या था, मल्टीप्लीकेशन फेज। तो इसमें क्या होता है, जाम सेल डिवाइड माइटोटिकली प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में टू टाइप था, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए एक्ट ए स्टेम सेल, ऑन द अदर एंड टाइप बी जो था इट एक्ट एज प्रीकर्सर ऑफ स्पर्म, मतलब जहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इन्वॉल्व होगा। सेकेंड फेज में क्या था, ग्रोथ फेज में क्या होता है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया था, दिस टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया एक्टिवली ग्रोज इन साइज एंड डेवलप इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ग्रोथ फेज में यहाँ तक हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ दिस मेचुरेशन फेज में क्या होता है, यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मेचुरेशन फेज में दो बार डिवाइड होता है। ठीक है, बाय मियोसिस। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कितना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, टू हैप्लोइड सेकेंडरी, मतलब एक जो सेल है वो डिवाइड हो गया, टू हैप्लोइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करेगा ना। वही जो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है,
they again divide by second meiotic division and produce four haploid spermatids, and these are the events occurs during the maturation phase. ठीक है, after maturation phase they enter into the spermiogenesis. Spermiogenesis का मतलब क्या है? It is the formation or the conversion of development of sperm from the spermatid. It is the development of sperm from the spermatid is called as spermiogenesis. After spermiogenesis मतलब जब sperm develop हो जाता है, this sperm used to embedded in Sertoli cell. Sertoli cell के साथ attach होता है. Now after this sperms are रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबुल. ठीक है, फाइनली इट रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबुल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन. तो दिस आर द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ व्हिच वन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. तो ये जो चार फेजेज है मैंने बहुत ईजी वे में दिया है, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं डाला है इसमें, सिंपल वे में. अगर एग्जाम में 3 मार्क का भी आ सकता है या फिर 5 मार्क के लिए भी आ सकता है, तो दोनों के लिए ये जो टॉपिक मैंने या फिर ये जो मटेरियल मैंने बनाया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यही लिखो, तुम लोगों को अच्छा मार्क मिल जाएगा. एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जो मार्क जो है, मार्क के हिसाब से तुम लोगों को लिखना होता है. अननेसेसरी ज़्यादा लिखोगे उसमें गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है, उससे क्या होता है मार्क में रिडक्शन आ सकता है. तो बिफोर स्टार्टिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस हर एक स्टेज को मैंने बहुत ईजी वे में दिया है, उसको तुम लोग अच्छे से देख लेना. ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. तो इसमें माइटोसिस कितने बार होता है? 2 बार. एंड मियोसिस कितने बार होता है? मियोसिस भी होता है 2 बार. तो ये तो हो गया कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज में मैंने जो ये एक फ्लोचार्ट डायग्राम है, इसमें देखो द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो पहले देखो फर्स्ट जो है टाइप ऑफ जाम सेल. ठीक है, तो टाइप ऑफ जाम सेल जब एंड टाइप ऑफ डिवीजन. तो जाम सेल जब डिवाइड होके क्या बनता है? स्पर्मेटोगोनियम या फिर स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, व्हिच इज जनरली मैंने क्या बोला था? प्राइमरी जाम सेल. तो इस स्पर्मेटोगोनियम का जो क्रोमोजोम नंबर जो है पर सेल जो है, यहाँ पे देखो ये कौन सा फेज में आता है? यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो 4 फेजेस दिखाई दे रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज एंड स्पर्मियोजेनेसिस. ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन फेज में देखो इसमें क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म होता है. जाम सेल डिवाइड होकर माइटोटिकली डिवाइड टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनियम. तो यहाँ पे अगर देखो स्पर्मेटोगोनियम का क्रोमोजोम नंबर क्या है? 2HN. मतलब टोटल नंबर ऑफ जीनोम कितना होगा? नंबर ऑफ क्रोमोजोम मतलब जीनोम. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोम. तो यहाँ पे देखो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम? 46. ठीक है, लेफ्ट साइड में देखो स्पर्मेटोगोनियम का क्रोमोजोम नंबर क्या है? 2HN. यहाँ पे देखो दिस स्पर्मेटोगोनियम और स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड अगेन बाय माइटोसिस. ठीक है, प्रोड्यूस एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, ठीक है, एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया मतलब टाइप ए एंड टाइप बी. टाइप ए एक्ट एज ए स्पर्मेट स्टेम सेल एंड टाइप बी इज द प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म. तो ये जो टाइप ए टाइप बी जो है, टाइप बी इज डेवलप इनटू अगेन डेवलप और ग्रो इन साइज इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. इसमें भी देखो ये भी क्या है? 2HN नंबर है, मतलब क्रोमोजोम नंबर क्या होगा? 46. साइड में देखो 46 लिखा है. तो स्पर्मेटोगोनियम से क्या फॉर्म हो गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या है? यहाँ पे भी 46 है, क्योंकि इट इज़ डिवाइड बाय माइटोसिस. माइटोसिस का हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने क्या देखा था फर्स्ट ईयर में? माइटोसिस इज जनरली नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है, तो दोनों के केस में देखो क्रोमोजोम नंबर इज 46. नाउ दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंटर इनटू द मैच्योरेशन फेज. मैच्योरेशन फेज में क्या होता है? उसका ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय 2 मियोटिक डिवीजन. यहाँ पे देखो राइट साइड में मियोसिस 1 लिखा है. तो मियोसिस 1 में क्या होता है? दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड टू प्रोड्यूस 2 हैप्लोइड सेल व्हिच इज कॉल्ड अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. मतलब 2HN से हैप्लोइड हो गया, मतलब एन हो गया, रिडक्शन हो गया. तो उसके हिसाब से लेफ्ट साइड में अगर देखो क्रोमोजोम नंबर भी चेंज होगा. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोजोम नंबर क्या है? 46. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोजोम नंबर क्या हो गया? क्रोमोजोम नंबर बिकम 23. मतलब 46 का हाफ हो गया, मतलब रिड्यूस हो गया. 2HN से एन हो गया, मतलब डाइप्लोइड से डाइप्लोइड बिकम हैप्लोइड. नाउ दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेन डिवाइड बाय मियोसिस 2 एंड प्रोड्यूस 4
हैप्लोइड सेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड, इसका भी क्रोमोजोम नंबर अगर देखो 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज प्रेजेंट, सॉरी 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम, इट मीन इट इज ऑल्सो हैप्लोइड। क्लियर? तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ऑल्सो कंटेन 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड स्पर्मेटिड ऑल्सो कंटेन 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम। क्लियर? ना आफ्टर दिस मेचुरेशन फेज लेफ्ट साइड में देखो लास्ट में क्या लिखा है, देखो स्पर्मियोजेनेसिस। हम लोगों ने क्या बोला था, स्पर्मियोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पे देखो स्पर्मेटिड जो है वहाँ से क्या डेवलप हो रहा है, देखो स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स जिसका भी क्रोमोजोम नंबर क्या होता है 23। ठीक है, तो ये तो हो गया द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो मैंने प्रीवियस टॉपिक पे जो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो एक्सप्लेन किया था उसको तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो। आफ्टर नोट डाउन ये जो डायग्राम यहाँ पे जो मैंने फ्लोचार्ट दिया है तुम लोग कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो फॉर प्रिपरेशन, और अच्छे से देखना है क्रोमोजोम नंबर कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस कहाँ पे हो रहा है, मियोसिस कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे क्रोमोजोम नंबर चेंज हो रहा है, कौन सा फेज में हो रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ नेक्स्ट अगर देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। ठीक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटोजोन और स्पर्म। तो स्पर्म अगर देखो स्पर्म्स आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल सेल्स, मोटाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं। तो स्पर्म्स आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल सेल्स हुच फर्टिलाइज द एग। स्पर्म का मेन फंक्शन क्या है, दे यूज टू फर्टिलाइज द एग। एक टिपिकल मेमेलियन स्पर्म जो है, एक टिपिकल मेमेलियन जो स्पर्म जो होता है व्हिच कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स। एक टिपिकल स्पर्म ऑफ मेमेल जो है इट कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट, क्या क्या है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। तो देयर आर फोर पार्ट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्पर्म क्या, इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक मोटाइल सेल्स व्हिच यूज टू फर्टिलाइज द एग। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म अगर देखो व्हिच इज द हेड। ठीक है, तो हेड अगर देखो, हेड इज द एंटीरियर मोस्ट, मतलब अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म। हेड इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म व्हिच कंटेन स्मॉल एक्रोजोम एट द टिप एंड लार्ज पोस्टीरियर न्यूक्लियस। ठीक है, तो हेड में क्या क्या है देखो, इट इज़ द एंटीरियर मोस्ट, मतलब ये स्पर्म के स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर का पार्ट है। एंड इसमें क्या क्या होता है देखो, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एक्रोजोम एट द टिप, मतलब हेड का जो टिप जो है, टिप पार्ट में कौन होता है, एक्रोजोम, एंड लोअर पार्ट में क्या होता है, लार्ज पोस्टीरियर न्यूक्लियस। ठीक है, लोअर पार्ट में क्या होता है, लार्ज पोस्टीरियर न्यूक्लियस। सेकेंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, देखो ये जो एक्रोजोम है, दिस एक्रोजोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन में आ सकता है या फिर बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। एक्रोजोम में कौन सा सेल ऑर्गेनेल होता है, दिस एक्रोजोम इज फॉर्म्ड ऑफ गोल्गी बॉडी ऑफ स्पर्मेटिस, गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। तो एक्रोजोम इज फॉर्म्ड ऑफ गोल्गी बॉडी ऑफ स्पर्मेटिस। तो गोल्गी बॉडी क्या, इट इज़ ए टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल। तो ये कभी कभी फाइनल एग्जाम में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या फिर वो एंट्रेंस एग्जाम में भी आ सकता है। व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन द एक्रोजोम ऑफ स्पर्म, इट इज़ द गोल्गी बॉडी। थर्ड अगर देखो, थर्ड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, देखो एक्रोजोम ऑल्सो कंटेन देर इज ए एंजाइम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंजाइम, हायलुरोनिडेज एंजाइम। एक्रोजोम जो है, एक्रोजोम फॉर्म्ड ऑफ क्या था, गोल्गी बॉडी, और इस एक्रोजोम में कौन सा एंजाइम होता है, नेम ऑफ द एंजाइम इज हायलुरोनिडेज। ठीक है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हायलुरोनिडेज, व्हिच आर यूज टू पेनिट्रेट द एग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये जो हायलुरोनिडेज एंजाइम जो है, इट यूज टू इट हेल्प्स इन पेनिट्रेशन ऑफ एग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्पर्म एग का जो वाल्व जो है, वाल्व को पेनिट्रेट करने के लिए ये एंजाइम यूज करता है। दैट इज वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पर्म लाइजिन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसका नाम क्या दिया गया है देखो, स्पर्म लाइजिन। तो व्हाट इज द एंजाइम, दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज हायलुरोनिडेज, ये भी एग्जाम में आ सकता है। नेम द एंजाइम प्रेजेंट एट द एक्रोजोम ऑफ स्पर्म, इट इज़ द हायलुरोनिडेज। व्हाट इज द फंक्शन, इट हेल्प्स टू पेनिट्रेट द स्पर्म इनटू द एग, एंड दिस इज कॉल्ड, एंड दिस एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज स्पर्म लाइजिन। तो ये हो गया हेड पार्ट ऑफ द स्पर्म। तो इसमें क्या कौन सा पार्ट है, इट इज़ द एंटीरियर मोस्ट पार्ट, टिप में कौन होता है, एक्रोजोम, एंड लार्ज पोस्टीरियर पार्ट इज द न्यूक्लियस। एक्रोजोम में कौन सा सेल ऑर्गेनेल होता है, और व्हिच सेल ऑर्गेनेल यूज टू फॉर्म द एक्रोजोम, इट इज़ द
गोल्गी बॉडी। नाउ एक्रोजोम में कौन सा एंजाइम होता है? हायलुरोनिडेज व्हिच यूज टू पेनिट व्हिच हेल्प्स इन पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज वाई उस एंजाइम का नाम क्या दिया गया है? देखो दिस एंजाइम इज नोन एज हायलुरोनिडेज एंजाइम। क्लियर, ये हो गया एंजाइम का नाम। एंड इट हेल्प्स इन पेनिट्रेशन ऑफ एग, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्म लाइजिन। नेक्स्ट अगर देखो, नेक्स्ट वन इज द नेक। तो नेक अगर देखो, इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्पर्म। इट इज वेरी शॉर्ट एंड कॉन्टेन टू सेंट्रियोल, वन इज कॉल्ड प्रोक्सिमल सेंट्रियोल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड डिस्टल सेंट्रियोल व्हिच गिव राइज टू द एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो, नेक इज द शॉर्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन मिडिल पीस एंड हेड, मतलब मिडिल पीस एंड हेड के बीच में जो पार्ट होता है व्हिच इज कॉल्ड नेक। नेक अगर देखो, नेक में दो सेंट्रियोल होता है, वन इज कॉल्ड प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल मतलब दिस सेंट्रियोल इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस एंड डिस्टल मीन्स दिस सेंट्रियोल प्रेजेंट फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये नेक पार्ट में दो सेंट्रियोल होता है एंड फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल जो है, डिस्टल सेंट्रियोल से किसका डेवलपमेंट होता है? डिस्टल सेंट्रियोल व्हिच गिव राइज टू एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट का डेवलपमेंट होता है कहाँ से? डिस्टल सेंट्रियोल से। तो ये तो हो गया नेक। थर्ड पार्ट ऑफ द स्पर्म इज मिडिल पीस, व्हिच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मिडिल पीस अगर देखो, इसमें क्या होता है, कौन सा सेल ऑर्गेनली होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन मिडिल पीस व्हिच प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मोटाइलिटी ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो मिडिल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म कॉन्टेन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, व्हिच कॉन्टेन माइटोकॉन्ड्रिया कोयल अराउंड द एक्सियल फिलामेंट। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज स्पाइरल अराउंड द एक्सियल फिलामेंट। तो यहाँ पे एक डायग्राम में देखना, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल है, दे आर सराउंडिंग द एक्सियल फिलामेंट। नाउ पोस्टीरियर, यहाँ पे अगर देखो, एट द एंड ऑफ मिडिल पीस देयर इज अ रिंग ऑफ सेंट्रियोल इज प्रेजेंट। ठीक है, रिंग ऑफ सेंट्रियोल इज प्रेजेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर फंक्शन अगर देखो, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? दिस माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये हो गया मिडिल पीस। तो मिडिल पीस में जनरली मेनली क्या है? इट कॉन्टेन माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मोटाइलिटी ऑफ स्पर्म। लास्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म अगर देखो, व्हिच इज द टेल। तो टेल में क्या होता है, देखो इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म। क्लियर, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म व्हिच कॉन्टेन एक्सियल फिलामेंट। यहाँ पे अगर देखो, पूरा टेल अगर देखो, पूरा टेल में एक्सियल फिलामेंट होता है। तो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टेल इज कॉल्ड एन पीस। ठीक है, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टेल इज कॉल्ड एन पीस एंड दिस टेल हेल्प्स इन स्विमिंग द फ्लू इन द फ्लूइड मीडियम। टेल का मेन फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन मोबाइलिटी और स्विमिंग ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट। ठीक है, मोबाइलिटी और स्विमिंग इन द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट, तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ टेल। तो यहाँ पे जो डायग्राम है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा था, स्पर्म के स्ट्रक्चर में कितना पार्ट है? हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। तो हर एक पार्ट को हम लोग डायग्राम में भी देखेंगे। तो फर्स्ट अगर देखो, दिस वन इज द हेड पार्ट। द होल स्ट्रक्चर इज द एंटीरियर, जो वी शेप स्ट्रक्चर जो है पूरा पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है, दिस वन इज द हेड। ठीक है, हेड के स्ट्रक्चर में टिप में कौन होता है? देखो एक्रोजोम। ठीक है, दिस वन इज द एक्रोजोम। नाउ यहाँ पे अगर देखो, एक्रोजोम में क्या होता है, देखो न्यूक्लियस भी होता है। दिस न्यूक्लियस कॉन्टेन क्रोमोजोमल मटेरियल। न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोजोमल मटेरियल होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या पॉइंट आउट किया, हेड, हेड के टिप में कौन होता है? एक्रोजोम, एंड इट ऑल्सो कॉन्टेन क्रोमोजोमल न्यूक्लियस व्हिच कॉन्टेन क्रोमोजोमल मटेरियल। ठीक है, नाउ क्या होता है, सेकेंड पार्ट ऑफ द टेस्टिस जो है, व्हिच इज कॉल्ड एज नेक। नेक इज प्रेजेंट बिटवीन कहाँ पे? हेड एंड मिडिल पीस। नेक में देखो दो चीज़ है, वन इज प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड अदर वन इज डिस्टल सेंट्रियोल। क्लियर, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे? मिडिल पीस। मिडिल पीस में अगर देखो, हम लोगों ने क्या बोला था, कौन सा सेल ऑर्गेनेली है? माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच आर स्पाइरल प्रेजेंट स्पाइरली अराउंड द एक्सियल फिलामेंट। तो ये अगर देखो, व्हिच इज द माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर देखो, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल अगर देखो, इट इज कोइलिंग अराउंड द एक्सियल फिलामेंट। नाउ टेल, टेल पार्ट में अगर देखो, द लास्ट पार्ट ऑफ द, यहाँ पे अगर देखो, टेल इज कवर्ड बाय ए शीथ व्हिच इज कॉल्ड एज फाइब्रस शीथ व्हिच यूज टू कवर द टेल
एंड द पोस्टीरियर मोस्ट और द लास्ट पार्ट ऑफ द टेल इज कॉल्ड एंड पीस। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया, हम लोगों ने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो अभी क्या करना है, जितना भी टॉपिक मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, हर एक टॉपिक को तुम लोगों को अच्छे से पढ़ना है एलोंग विद द डायग्राम। इससे क्या होगा, तुम लोगों को समझने में इजी लगेगा। एट द सेम टाइम तुम लोग नोटिफिकेशन एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही जल्द यही इस चैप्टर का और एक वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ जो तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो अच्छे से पढ़ो एंड बी सेफ एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर, बाय एंड ध्यान से पढ़ो। एंड ऑल आज जितना भी टॉपिक मैंने यहाँ पे किया है, ऑल दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट। बाय एवरीवन।